फाइनल डे ऑफ आवर ट्रिप। आशीष कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, हुआ क्या? हम लोग निकल क्यों नहीं रहे? चैनल जगन्नाथ डे फाइव ऑफ आवर साउथ ओडिशा राइड। आज के दिन हम ब्रह्मपुर में हैं एंड आज ही हम ब्रह्मपुर से वापस भुवनेश्वर चले जाएंगे। जानबूझ के हम लोग ब्रह्मपुर में प्लान किए थे, क्योंकि अगर आप लोग इससे पहले वाला ब्लॉग देखे हो तो पता होगा क्यों हम लोग प्लान किए थे, क्योंकि सौरभ जो अपना नया बाइक लिया था उसका पार्टी उसका पेंडिंग था, वो ब्रह्मपुर में देना चाहता था, तो इसलिए हम लोग कल वहीं पे रुक गए थे। तो कल ही हम लोग वापस भुवनेश्वर चले जाते और काफी दमदार पार्टी था कल रात का। दारू में नहीं पीता हूँ तो यहाँ पे कमेंट मत करना भाई, बियर हल्ला तो कमेंट दैट, क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ। गला थोड़ा बैठ गया है, पिछले पॉग में बोला था मैं बहुत ठंडा पानी और कल थोड़ा हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी तो गला थोड़ा बैठ गया है और बहुत सारे हम लोग कल हंसे हैं, बहुत चिल्लाए हैं, तो उस वजह से थोड़ा गला बैठ गया है एंड थोड़ा गारगल कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। रूम का हालत बहुत ख़राब है, मतलब कल आके पता नहीं कहाँ कहाँ, मैं दिखा था आपको, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पूरा रूम एकदम बिखरा हुआ है, पता नहीं कल रात को कहाँ। हाय समर, गुड मॉर्निंग। इनो चाहिए क्या हो गया तेरा? वो पेट थोड़ा कल रात को ज्यादा खा लिया, पता नहीं चला, अभी थोड़ा लग रहा है जल जल हो रहा है इधर इधर। हाँ वो थोड़ा इनो पी लेगा तो ठीक हो जाए, दे रहा हूँ। चीनी ने बोला तुम्हारे पास है? हमें मेरा वहाँ पे हुआ था ना जगदलपुर में, हालत खराब हो गया था। दे दो दे दो। अच्छा कल का राइड कैसा लगा तुझे, बहुत दिन के बाद बाइक पे? तो छोटा राइड था, नहीं रोड पर बम्पी, मतलब एक जगह तो बाइक पर 265 बीच में उड़ जाता पूरा तपक के ऊपर। मेरा गला लेकिन पूरा बैठ गया है। ठीक है तेरे को पहले इनो देता हूँ। ऑक्सफोर्ड वाला में जाके आप अरे अमित भाई ऐसे मूड ऑफ करके क्यों बैठे हो? राइड करने गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, सो के राइड कर रहा है। कन्याकुमारी लेके दो दिन में, थोड़ा कन्याकुमारी घूम के वो घूम लेगा, चला एक दिन में कन्याकुमारी से वापस आ जाएगा। फोन करियो आनंद देश पांडे, करियो से रामेश्वर, रामेश्वर, ओ रामेश्वर खुर्दा के पास, नहीं नहीं कन्याकुमारी वाला रामेश्वर जो टायर बिटन हुए से टोटल पूरा, माने जो मोटो जीपी टायर जो सारा बहुत कंप्लेन रोज की टायर था बिटन टायर थी कोई भी ना ठिया है मैं उट सेना विदाउट से ना हैंड सिग्नल अब डब्बा चब्बा जी अब्बा कहते हैं ना आईडी ला कुछ बोल रहे थे कि आशीष अगर नहीं होता तो मैं और एक आधा घंटा पहले पहुंच जाता और कुछ बोल रहे ना आशीष हां अरे कोई दिलोटे इमोशन रे आशीष ठीक ना ना सी बराबर सी टीम बोल रहा अरे वो बोल रहा था कि बोल रास्ते में एक हम से आया वो 265 उसका बाइक अरे तापंग पुरपुरु रोटा इन बोल दी वो बिड्डे जी पर उड़ी 265 बोल दी भाई हम जी बाजी उड़ी है जी टेको भी दादा एडा देखो ना एडा एडा देख आवर जाकर से जी माने मु जान जी शॉर्ट राइड ओ ड्यूड जी मुझे आशीष हे जो मैं कब बोलूं वो जगह रे कम सॉरी यू बीप एडा ना कुछ बीप करियो एडी बड़ा दिन छोड़ा वो जानी नहीं कौन एडा पखी 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 एडा बट ठाय बड़ा तो मुंडड़ा इन दी होला एठी अभा पड़ जी अच्छा जैकेट दे कांदर लगे अरे कमलड़ा है जो तब स्मेल हुई कमलड़ा है बंधु जो सुंगिल अबे सुंगिल एडा देख लो
गोबर गोबर डाली मारो तेरा आशीर्वाद गोबर गोबर तेरा फोटो नहीं नीट पड़ी होगी एंड फ्लाइंग काओ साइड काओ फ्लाइंग काओ फ्लाइंग काओ सही रोटा वाला चाहो छोटा जो फैक्ट्री वाला रोटा नुआई जी इधर हो सही रोटा सही ओल्गा या तो उठा मार दीजिए 273 270 आओ से प्लेट कर दे दियो कपट आउ दीजो जे दिखाए तो कौन सारा कर दे छी तो आशीष कहाँ गया आशीष कहाँ गया अरे आशीष हुआ क्या अरे बोलना हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या एक्चुअली आशीष कुछ बोल क्यों नहीं रहा हुआ क्या हम लोग निकल क्यों नहीं रहे अच्छा पीछे पीछे ले पीछे ले बाइक पीछे ले होल कहाँ पे प्रेशर डालने से पता चलेगा। तो ये जो टायर है एक्चुअली जो राइड फॉर यूनिटी में हम लोग जो गए थे डे टू में जो टायर खराब हुआ था वही वाला टायर है उस राइड पे भी दो तीन बार शायद पंचर हुआ था जब हम निकल रहे थे तभी पता चला कि ये वापस पंचर हो गया बहुत लोग जानना चाहेंगे ये एक चीज एक्चुअली क्या है ये है MI का क्रोटेबल क्या बोलते हैं उसको एयर कंप्रेसर हम लोग रात को अराउंड 12 बजे पंचर हुआ था नेतराट के टाइम नीत के बाइक में उसमें हम लोग इसका यूज किए थे बंद कर तो देखो जहाँ पे पंचर हुआ था ना वही मुझे लग रहा है वहीं से निकल रहा होगा अभी टिकट टिक्की वो साइड से निकल रही है और ये तो किंतु ऑलरेडी पंचर लागी के पंचर अच्छे से एटा गुटे हे जो ना मोटा है ना एटा मोटाडा एटा मोटा जगह तो एटा गुटे हे जो एटा पूरी पतला पतला है जो एटा मोटाडा एटा हना प्रेशर दियो ना इसको इसको लगा के छोड़ दे एटा यदि भीतर पड़े गठन तो बड़ा इधर पुश करी के ताको भीतर ही कर दियो से बाहर ही बोले मोटाडा प्रेशर दरकार बाहर पड़े बेटा देखि गया ना ऐसे चला प्लस प्लस ये बाहर ही होनी प्लस 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 नहीं नहीं और कुछ कर नहीं डोंट डू एनीथिंग लीव इट प्लस दे लाइक दिस बड़ा नहीं इतने शक्तिशाली अरे ये तो यही तो हां आप थिंक की कर पानी पानी मारे पानी अरे चिचिन तू क्यों रुक रहा है भाई इधर मैं दोस्त का शादी है मैं जाऊंगा नयागढ़ दोस्त का शादी है नयागढ़ तो घूमने से रोके जाने वाला था ना दूसरा रूट है ना बाय अनित बाय शुभन बाय तू हमसे जीवो चले समर पेट्रोल फुल अप करना है ना हम लोग का तो हुआ सर क्या हुआ अभी मार दिया सारा आशीष का टायर अभी ठीक ठाक है मतलब पंचर तो बना दिया हम लोग लेकिन फिर से और एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पे फिलअप करेंगे थैंक यू 4 बज गए यहाँ पे निकलते निकलते 4 बज गया लगभग 2-2.5 घंटा लगेगा भुवनेश्वर पहुँचा मैक्स टू मैक्स 3 घंटा लगेगा 15-20 मिनट का ब्रेक भी होगा बीच में पहुँच जाएंगे फाइनल डे ऑफ आवर ट्रिप
तो हम लोग कल रात को टैंक एकदम फुल अप करवा दिए थे, लेकिन समर और आशीष उन दोनों को फुल अप करना है तो हम भी कर लेंगे। आशीष का थोड़ा प्रेशर भी और एक बार चेक करवाना है, और इसको भी पेट्रोल डलवाना था ना। अरे भाई वो आया नहीं अभी तक। स्मिथ हाँ ये टैंक में जाना है, रिलायंस वाले। बरमपुर से जो भुवनेश्वर का जो रास्ता है, मैक्सिमम मतलब 70% जो रोड है वो पूरा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। हेलो आगे से भुवनेश्वर और 50 किलोमीटर है, एंड हम लोग थोड़ा अभी रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि स्मिथ और आशीष काफ़ी पीछे रह गए, तो यहाँ पे थोड़ा पानी वानी पियेंगे। अच्छा कवर किया नहीं, वेरी नाइस ना। वो लोग आ जाएंगे 10 मिनट में, तब तक पानी पी लेते हैं। ये ट्रिप का फाइनल हॉल्ट था। फाइनली पहुंच गए भुवनेश्वर, सब अपने अपने घर चले गए, मैं भी जा रहा हूँ अपने घर, लेकिन मैं थोड़ा जिम होके जाऊंगा, सर से मिल के जाऊंगा, इसलिए इधर से जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा व्लॉग्स जल्दी से जल्दी अपलोड करने के लिए, देखते हैं वो कल पता चलेगा। कल जाके सारे जितने भी सारे क्लिप्स हैं उसको बैकअप लूँगा, हर दो दिन में एक डे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। बाकी कैसा लगा ये ट्रिप, कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो डू सब्सक्राइब द चैनल।